नमस्कार, चमेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्र ने कहा था कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा श्रेष्ठ सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा होती है और निर्वाह भी होता है, और कवि इस साधन और सृष्टि का आत्मरक्षक भी होता है और मार्गदर्शक भी। जी हाँ मित्रों, हमने आज आपके लिए इस कार्यक्रम में आयोजित किया है एक युवा कवि सम्मेलन, तो आइए आपको लिए चलते हैं काव्य की राह पर और सुनते हैं सुंदर सा कविता पाठ। तो मेरी सूची में जो सबसे पहला नाम है उनका मैं आह्वान करने जा रहा हूँ, आप है कुमारी सविता सोनी जी। इनके परिचय में इतना अवश्य कहूँगा कि आप योगा की टीचर हैं, योगा का प्रशिक्षण देती हैं, और आपसे इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। कविता आपके खून में रची बसी है, बल्कि यूं कहें कि कविता आपको विरासत में मिली है क्योंकि आपके माता पिता दोनों ही कवि रहे हैं, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप काव्य है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप काव्य है, मानव होना भाग्य है पर कवि होना सौभाग्य है। तो आइए कुमारी सविता सोनी जी से सुने उनका काव्य पाठ। मेरी कविता का शीर्षक है परिवर्तन। तकनीकी विज्ञान देश को चाहिए, तकनीकी विज्ञान देश को चाहिए, वर्तमान युग में चमत्कार लाइए, वर्तमान युग में चमत्कार लाइए। हरित क्रांति आती बीज मंत्र से यहाँ, हरित क्रांति आती बीज मंत्र से यहाँ, जंगल ना काटो जल जाएगा जहाँ, जंगल ना काटो जल जाएगा जहाँ। खाद्यान्न और नीर दोनों बढ़ाइए, खाद्यान्न और नीर दोनों बढ़ाइए, तकनीकी परिवर्तन देश को चाहिए। दंगे फसाद ना हो राजनीति को सुधारो, दंगे फसाद ना हो राजनीति को सुधारो, आतंक ना उभरे बम शस्त्र बदल डालो, आतंक ना उभरे बम शस्त्र बदल डालो। संस्कार संस्कृति की झड़ी लगाइए, संस्कार संस्कृति की झड़ी लगाइए, तकनीकी परिवर्तन देश को चाहिए। फैशन पर हो काबू पढ़ाई में हो जादू, फैशन पर हो काबू पढ़ाई में हो जादू, मानव समाज पर मानवता हो लागू, मानव समाज पर मानवता हो लागू। सत्य अहिंसा मंत्र जग को थमाइए, सत्य अहिंसा मंत्र जग को थमाइए, तकनीकी परिवर्तन देश को चाहिए। शांति शहनाइयों में गूंजेगा भारत, शांति शहनाइयों में गूंजेगा भारत, प्रगति बागडोर रथ संभालेंगे साधक, प्रगति बागडोर रथ संभालेंगे साधक। राष्ट्र प्रेम प्रतिजन अपना जगाइए, राष्ट्र प्रेम प्रतिजन अपना जगाइए। वाह वाह वाह, अति सुंदर। तकनीकी परिवर्तन देश को चाहिए, तकनीकी परिवर्तन देश को चाहिए। एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ, स्वागत है। गजल का मतलब सुनिएगा जी। जब वो आता है मेरे ख्वाबों में, जब वो आता है मेरे ख्वाबों में जी, सोई रहती हूँ मैं गुलाबों में। वाह। जब वो आता है मेरे ख्वाबों में, सोई रहती हूँ मैं गुलाबों में। वाह। तुमको पहचान लेंगी ये आंखें, तुमको पहचान लेंगी ये आंखें, लाख छुप जाओ तुम नकाबों में, लाख छुप जाओ तुम नकाबों में। तुझसे मिलकर पता चला मुझको, तुझसे मिलकर पता चला मुझको, इतना नशा नहीं शराबों में, इतना नशा नहीं शराबों में। वो तेरे प्यार की निशानी है, वो तेरे प्यार की निशानी है, फूल रखे हैं जो किताबों में। वाह वाह वाह। फूल रखे हैं जो किताबों में। और मक्ता देखिएगा, कितनी जिंदा दिली थी ए सोनी, कितनी जिंदा दिली थी ए सोनी, हैदराबाद के नवाबों में। वाह वाह वाह। हैदराबाद के नवाबों में। अच्छा है, अच्छा। जब वो आता है मेरे ख्वाबों में, सोई रहती हूँ मैं गुलाबों में, सोई रहती हूँ मैं गुलाबों में। तो मित्रों, सविता सोनी जी काव्य पाठ कर रही थी और बड़े ही सशक्त अंदाज में
अपने मन के उद्गार आपके सामने प्रकट कर रही थी। इनकी कविताएं सुनते हुए मुझे महावीर प्रसाद द्विवेदी की वो पंक्ति याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि कविता लिखने और के बाद इसके पढ़ने और सुनने वाले को एक ऐसी साफ सुथरी सड़क मिलनी चाहिए जिसमें कंकर पत्थर, तील, गड्ढे या झाड़ियाँ ना हो। सचमुच आप बधाई के पात्र हैं। चलिए हम अपनी राह पर अग्रसर होते हैं। एक अंधेरा, एक खामोशी और तन्हाई रात के तीन पांव होते हैं। एक अंधेरा, एक खामोशी और तन्हाई रात के तीन पांव होते हैं। जिंदगी की सुबह के चेहरे पर रास्ते धूप छांव होते हैं। जिंदगी के घने बयाबा में, जिंदगी के घने बयाबा में प्यार के भी पड़ाव होते हैं। और अजनबी शहरों में अजनबी लोगों के बीच, अजनबी शहरों में अजनबी लोगों के बीच प्यार के भी गांव होते हैं। तो मित्रों, इन पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करने जा रहा हूं अपने एक मित्र को। आप हास्य व्यंग की रचनाएं लिखते हैं, 15-20 साल से सृजन के कार्य में व्यस्त हैं, माइक्रोसॉफ्ट में आप कार्यरत हैं इन दिनों। और जी हाँ, मेरी मुराद है कवि नीरज त्रिपाठी जी से। इन पंक्तियों के साथ उनका आह्वान है कि प्रीति करे तो ऐसी कर जैसे ये दिन रात, प्रीति करे तो ऐसी कर जैसे ये दिन रात, मिल जाए तो सांझ भय, बिछड़े तो प्रभात। श्री नीरज त्रिपाठी जी, आभारी हूँ दूरदर्शन का कि मुझे ये मौका दिया युवा कवि सम्मेलन में आने के लिए, क्योंकि युवा कहलाना आजकल गर्व की बात है। जब भी बाहर निकलता हूँ तो कुछ जो हालात होते हैं उनको कुछ पंक्तियों के सहारे आप तक पहुँचा रहा हूँ कि एक बात सताने लगी प्रतिदिन प्रतिपल, बच्चे बुलाने लगे नीरज अंकल। मैं बोला, बच्चों अंकल नहीं भैया बुलाया करो, तो बच्चे कहते अंकल प्लीज गलत बात मत सिखाया करो। तो कविता सृजन कर रहा हूँ कई वर्षों से, तो एक मित्र ने मुझसे कहा कि अब तक मुझ पर कुछ नहीं लिखा। तो मैंने कहा ठीक है, तो आपने तो गौरवान्वित किया है मुझे ये मौका देकर, तो कुछ उन पर लिखा था, आपके साथ बांटता हूँ। स्वागत है। कि उस दिन मेरे घर से निकलते ही बंटू छींका, और थोड़ा आगे गया तो बिल्ली ने रास्ता काटा। मैं ये सब मानता न था, सो बढ़ता रहा। उसी दिन मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई, और अब मैं कट्टर अंधविश्वासी हूं। और अब चलिए मैं आपको थोड़ा हास्य के रस में ले चलता हूं और एक चाय पिलाता हूं, कवियों की चाय देखिए कैसी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। शीर्षक है सुबह की चाय। तो सुबह होते ही आती थी याद सुबह की चाय, फिर सोचता था किसके यहाँ पी जाए। तो निकालता था समय सारणी, देखता था सबके नाम, फिर किसी परिचित के घर देता था दस्तक, करता था राम राम। शुरू करता था कोई दिलचस्प बात और लेता था चाय की चुस्कियाँ अपने प्रिय मित्र के साथ। कहता था कि भाभी के हाथों में जादू है यार, और हर घर में प्रकट करता था यही विचार। तो भाभी जी अपनी प्रशंसा सुन मुस्काती थी, और जब भी जाता था बढ़िया चाय पिलाती थी। तो मुफ्त की चाय में काम चलाता था, घर के अखबार का पैसा बचाता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे मित्र मुझे पहचान गए, मुफ्तखोरी के प्रति मेरा झुकाव जान गए। फिर क्या था, हवाएं उल्टी चलने लगी, परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलने लगी। अब जब भी मैं कहीं जाता था, कोई दिलचस्प किस्सा सुनाता था, तो मित्र कहता किस्सा बिल्कुल सही है लेकिन चाय नहीं बन सकती, दूध नहीं है। तो कोई दूध, कोई चीनी, कोई चाय की पत्ती का बहाना बनाता था, बड़ी मुश्किल से एक गिलास पानी मिल पाता था। तो मैंने सोचा इससे पहले की परिस्थिति और बिगड़ जाए, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं सुबह की चाय। वाह वाह। लेकिन अब देख कर आप लोगों का सहयोग और प्यार, कर रहा हूं मित्रों की एक नई सूची तैयार। और अंत में दो और पंक्तियां सुनाऊंगा और विदा लूंगा। अपनी कविताओं के बारे में बताता हूं जिन्होंने मेरा काफी साथ दिया है। तो मेरी कविताओं ने वफादारी की मिसाल दिखाई, और जहां भी भेजा हर जगह से सफलता पूर्वक वापस आई। वाह 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 वाह। मित्रों, नीरज जी अपनी हास्य रचनाएं सुना रहे थे। हास्य हो या श्रृंगार रस हो, है तो साहित्य की एक विधा ही। और यूं भी कहा जाता है कि कविता बुद्धि का विषय न होकर सचमुच मन का विषय होती है। बल्कि यूं भी कहा जाता है
कि कविता लिखना सरल नहीं है, कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। तो यही कार्य में व्यस्त थे नीरज जी, बल्कि यूं कहा जाए तो भी अनुचित ना होगा कि ये अपने मन के उद्गार कुछ सरल अंदाज में आपके आगे व्यक्त कर रहे थे। तो चलिए हम अपनी इस यात्रा पे आगे बढ़ते हैं। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ एक शायरा को। उनको बुलाने से पहले ये अवश्य कहूँगा कि एक ने मुझको जन्म दिया है, एक ने मुझको पाला, एक ने मुझको जन्म दिया है, एक ने मुझको पाला, एक मेरी माँ जैसी है, एक है मेरी खाला। जी हाँ, बल्कि मुनव्वर राना ने इसी बात को कुछ यूँ कहा है कि लिपट जाता हूँ अपनी माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ अपनी माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। तो मित्रों, हमारा प्रयत्न रहा है कि हम अक्सर हिंदी कवि सम्मेलनों में उर्दू के शायर या शायरा का भी आह्वान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, बल्कि हमारा ये मानना है कि दोनों की लिपि में अंतर है लेकिन आत्मा एक ही है। तो मेरा अभिप्राय है दुर्दाना मुस्कान जी से, जो टीवी और रेडियो के एंकर हैं, प्रोग्राम प्रस्तुत करती हैं और जाना माना चेहरा है टीवी और रेडियो के लिए, बड़े ही दिलकश व्यक्तित्व के आप मालिक हैं, बल्कि इस लाइन से, इस शेर से मैं इनका इस्तकबाल कर रहा हूं कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, जब तक न आए वो उजाला ना हो सका। कुमारी दुर्दाना मुस्कान जी। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सबके लिए। मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले, और ये बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हिंदी के शोरा भी मौजूद हैं और मुझे उर्दू कहने का मौका मिला है तो मैं उर्दू कहना चाहती हूँ, और उर्दू की ज़बान की तारीफ में ही एक अपनी एक नज़म सुनाना चाहूँगी, तो आप सभी लोग सुनिए। भाषा हूँ पराई, भाषा हूँ पराई न सियासत की ज़ुबां हूँ, भाषा हूँ पराई न सियासत की ज़ुबां हूँ, उर्दू है मेरा नाम मोहब्बत की ज़ुबां हूँ, उर्दू है मेरा नाम मोहब्बत की ज़ुबां हूँ। पैदा हुई नौखैज कली बन के दकन में, पैदा हुई नौखैज कली बन के दकन में, फिर सर चढ़ी खिलखिल के मैं लखनऊ के चमन में, फिर सर चढ़ी खिलखिल के मैं लखनऊ के चमन में, गूंधी भी गई दिल्ली के हाथों से मैं बरसों, गूंदी भी गई दिल्ली के हाथों से मैं बरसों, माला भी बनी गालिबो खुसरो के सुखन की, वाह वाह, माला भी बनी गालिबो खुसरो के सुखन की, आजादी में आजाद की हसरत की जुबां हूँ, आजादी में आजाद की हसरत की जुबां हूँ, उर्दू है मेरा नाम मोहब्बत की जुबां हूँ, वाह 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 वाह। इकबाल के शाहीन की परवाज भी मेरी, इकबाल के शाहीन की परवाज भी मेरी, परशाद तिलक चंद की आवाज भी मेरी, परशाद तिलक चंद की आवाज भी मेरी, हिंदू भी हूँ मुस्लिम भी सिंधी भी हूँ सिख भी, हिंदू भी हूँ मुस्लिम भी सिंधी भी हूँ सिख भी, मीरा भी मेरी शायरा शहनाज भी मेरी, वाह वाह वाह, मीरा भी मेरी शायरा शहनाज भी मेरी, भारत है वतन मेरा भारत की जुबां हूँ, भारत है वतन मेरा भारत की जुबां हूँ, उर्दू है मेरा नाम मोहब्बत की जुबां हूँ। आजाद भगत सिंह से वीरों की जुबां थी, आजाद भगत सिंह से वीरों की जुबां थी, झांसी नहीं दूंगी मेरी ये किसकी जुबां थी, झांसी नहीं दूंगी मेरी ये किसकी जुबां थी, बेगम महल वो चांद की तारीख भी मेरी, बेगम महल वो चांद की तारीख भी मेरी, जिंदानों को दहला गई हर चीख भी मेरी, जिंदानों को दहला गई हर चीख भी मेरी, नारा हूँ शहीदों का, नारा हूँ शहीदों का शहादत की जुबां हूँ, नारा हूँ शहीदों का शहादत की जुबां हूँ, उर्दू है मेरा नाम मोहब्बत की जुबां हूँ, वाह 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 वाह, बहुत है फारसी अरबी भी घुली मेरी जुबां में, है फारसी अरबी भी घुली मेरी जुबां में, पंजाबी और अवधी भी रची मेरी जुबां में, घुल जाती हूँ मिस्री की तरह दहनों में मैं सबके, घुल जाती हूँ मिस्री की तरह दहनों में मैं सबके, हैरत नहीं रहती हूँ अगर रब की जुबां में, हैरत नहीं रहती हूँ अगर रब की जुबां में, जज्बात अवामी हूँ खिताबत की जुबां हूँ,
جذبات عوامی ہوں خطابت کی زباں ہوں اردو ہے میرا نام محبت کی زباں ہوں. واہ واہ واہ. اور آخری بند عرض کرتی ہوں. ارشاد. کچلی گئی روندی گئی کچلی گئی روندی گئی کچھ فرق نہ آیا کچلی گئی روندی گئی کچھ فرق نہ آیا مسکان رقیبوں نے ستم کیا نہیں ڈھایا مسکان رقیبوں نے ستم کیا نہیں ڈھایا عزت و محبت سے عالم میں ہوں اب برپا عزت و محبت سے عالم میں ہوں برپا مٹ سکتی ہوں کیسے مٹ سکتی ہوں کیسے قیامت کی زباں ہوں مٹ سکتی ہوں کیسے قیامت کی زباں ہوں اردو ہے میرا نام محبت کی زباں ہوں اردو ہے میرا نام محبت کی زباں ہوں. بہت ہی خوبصورت نظم اور غزل سے ہم سب محظوظ ہو رہے تھے. میں مبارکباد دیتا ہوں دردانہ مسکان جی کو. آپ نے اپنے نظم میں جو اردو اور ہندی کی بات کہی ان سب کو ہم سب سچ مانتے ہیں, کیونکہ اردو اور ہندی دونوں ایک طرح سے بھارت کا جو باغیچہ ہے اس کے الگ الگ پھول اور الگ الگ رنگ ہیں. کبھی کہتا ہے کہ رنگ بنا بے رنگ یہ دنیا چمن بھی لگے سب سون رنگ بنا بے رنگ یہ دنیا چمن بھی لگے سب سون رنگ بھرے گر اس میں سندر کھل کھل جائے پرسون. اور جہاں تک آپ کی غزل کا سوال ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ رہی میری غزلیں کچھ اس طرح زمانے میں رہی میری غزلیں کچھ اس طرح زمانے میں کہ جیسے ہو کوئی فقیر پیروں کے آستانے میں. تو آئیے مترو ہم اپنی یاترا جاری رکھتے ہیں. اب میں اگلی کویتری کا آہوان کر رہا ہوں. ان پنکتیوں سے ان کا سواگت کرتا ہوں کہ کیا کہہ کروں تمہیں سمبودھن انسوچا انجانا بندھن کیا کہہ کروں تمہیں سمبودھن انسوچا انجانا بندھن بن بولے کہنے کی بھاشا پریت بھری پگلی ابھیلاشا بدلی جیون کی پریبھاشا لیپ کیا چاہت کا چندن لیپ کیا چاہت کا چندن انسوچا انجانا بندھن. جی ہاں مترو اگلی کویتری ہے کماری نیہا دیویانی جو دیوان بہادر گرلز کالج سکندرآباد کی چھاترا ہے. آپ ڈاکٹر نرمدا پٹیل جی کی ششیا بھی رہی ہیں انہیں سے پریرت ہو کر کویتائیں لکھتی ہیں اور بہت سندر پریتن کر رہی ہیں. ان پنکتیوں کے ساتھ ان کا سواگت ہے کہ جس نے مرنا سیکھ لیا جینے کا ادھیکار اسی کو جس نے مرنا سیکھ لیا جینے کا ادھیکار اسی کو جو کانٹوں کے پتھ پر آیا پھولوں کا اپہار اسی کو. تو پرستت ہے کماری نیہا دیویانی. نمسکار. اپنی ماں سے پریرت ہو کر میں نے ان پر کچھ پنکتیاں لکھی ہے جو میں آپ سب لوگ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. جی جی. جو مجھے پیار سے بلاتی ہے وہ ہے میری پیاری ماں جو مجھے پیار سے بلاتی ہے وہ ہے میری پیاری ماں جو مجھے پیار سے کھلاتی ہے وہ ہے میری پیاری ماں. اپکار کیسے اس کا بھلاؤں اپکار کیسے اس کا بھلاؤں رن بھی کیسے اس کا چکاؤں ہر موڑ پر ساتھ نبھائے میری پیاری ماں ہر موڑ پر میرا ساتھ نبھائے میری پیاری ماں جس کے ساتھ بتاؤں میں سارے پل ہنس ہنس کر جس کے ساتھ بتاؤں میں سارے پل ہنس ہنس کر کہہ سکوں جس کو ساری باتیں سخی سمجھ کر کہہ سکوں جس کو ساری باتیں سخی سمجھ کر ماں سا دلار کوئی نہ کر سکے ماں سا دلار کوئی نہ کر سکے ماں کا ستھان کوئی نہ لے سکے جیون میں میرے ایشور کا ستھان لیتی جیون میں میرے ایشور کا ستھان لیتی جیون میں میرے گرو کا ستھان لیتی جیون میں میرے گرو کا ستھان لیتی ہر غلطی کو میری سدھارتی ہر غلطی کو میری سدھارتی ہر موڑ پر میری راہ بتاتی میری پیاری ماں ماں کوئی چیز نہیں جس کا تول کیا جا سکے ماں کوئی چیز نہیں جس کا تول کیا جا سکے ماں کوئی وستو نہیں جس کا مول کیا جا سکے ماں کوئی آبھوشن نہیں جس کو پہنا جا سکے ماں کوئی آبھوشن نہیں جس کو پہنا جا سکے ماں کوئی وستر نہیں جس کو پہن کر اتارا جا سکے ماں تو ماں ہے جس کا کوئی مول نہیں ماں تو ماں ہے جس کا کوئی مول نہیں ماں تو ماں ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں ماں تو ماں ہے جس کو اپنوں سے پیار ہے ماں تو ماں ہے جس کو اپنوں سے پیار ہے ماں تو ماں ہے جس کو اپنی سنتان سے پیار ہے
माँ तो माँ है जिसको अपनी संतान से अपार दुलार है। आज का मौसम देखकर मुझे वर्षा ऋतु पे एक कविता, मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आप सब लोग के सामने पेश करना चाहती हूँ। उमड़ घुमड़ कर बादल छाए, उमड़ घुमड़ कर बादल छाए, सबके मन को बहुत भाए, देख देख कर जिया हर्षाए, हिवड़े में हरख न समाए, देख देख कर जिया हर्षाए, हिवड़े में हरख न समाए, रिमझिम रिमझिम बदरा बरसे, टिप 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 पानी बरसे, खुशरों की आंखें भी सर से, छिपे हुए दादुर भी सर से, वाह वाह वाह, खुशरों की आंखें भी हरखे, छिपे हुए दादुर भी सर से, अति सुंदर, वाह वाह, बरखा देख बादल हर्षाए, बरखा देख बादल हर्षाए, बोले सावन की ऋतु जो आई, बोले सावन की ऋतु जो आई, नई नई उमंगे लाई, आशाओं की कड़ियां आई। मित्रों, नेहा अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रही थी। सबसे पहले माँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की। मुझे एक पंक्ति याद आ गई कि झूठे हैं संबंध सारे, सच्चा रिश्ता एक, झूठे हैं संबंध सारे, सच्चा रिश्ता एक, माँ का जो आदर करे वो बेटी है नेक। और मुझे हसरत जयपुरी की भी ये लाइन याद आ गई कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं अपनी माँ को क्या कहता, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं अपनी माँ को क्या कहता, न होता कुफ्र दुनिया में तो उसको मैं खुदा कहता, तो उसको मैं खुदा कहता। जी हाँ मित्रों, आप काव्य यात्रा पर थे मेरे साथ। अब हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं आपसे विदा लेने से पहले हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों को दोहराऊंगा कि मिट्टी का मन मस्ती का मन, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम के समापन की मैं घोषणा करता हूँ। आपसे फिर मिलने की आशा और संभावना और कामना के साथ धन्यवाद। जमी भी तेरी है ये आसमां भी तेरा है, जमी भी तेरी है ये आसमां भी तेरा है, मकां भी तेरा है और लामकां भी तेरा है, तमाम गुलशन हस्ती का हुक्मरा तू है, तमाम गुलशन हस्ती का हुक्मरा तू है, ये बुस्ता भी और ये गुलस्तां भी तेरा है, हर एक जलवा मंसूब है ज़ात से तेरी, हर एक जलवा मंसूब है ज़ात से तेरी, हर एक जलवे में नाम व निशां भी तेरा है, तू ममठन है मेरा इम्तिहान ही है मकसूद, तू ममठन है मेरा इम्तिहान ही है मकसूद, गलत है ले लूँ अगर इम्तिहान भी तेरा है, तू ही तमाम जहानों का एक है मालिक, तू ही तमाम जहानों का एक है मालिक, वो जहाँ भी तेरा है ये जहाँ भी तेरा है, तेरे बयां से आजिज नहीं बश्र कोई, तेरे बयां से आजिज नहीं बश्र कोई, खमर के लब पे जो हो वो बयां भी तेरा है, शमा नूर अहमद का हर तरफ उजाला है, शमा नूर अहमद का हर तरफ उजाला है, नूर नूर गोशे है नूर नूर दुनिया है, चार यार आखा के मुखम वाले हैं, चार यार आखा के मुखम वाले हैं, ये मुखम अजमत भी क्या किसने पाया है, आंखें उसकी चूमे हम झूम कर यकीदत से, आंखें उसकी चूमे हम झूम कर यकीदत से, जिसने सब्ज गुम्मत को बार बार देखा है, हर कदम पे एक रौनक और हुजूर है दूल्हा, हर कदम पे एक रौनक और हुजूर है दूल्हा, कैसी शान से उनको अर्श पर बुलाया है, तैबा जाने वाले सुन इतनी है गुजारिश ये, तैबा जाने वाले सुन इतनी है गुजारिश ये, हम पे जो गुजरती है आपको सुनाना है, खौफ दिल में क्यों लाए हश्र के मनाजिर का, खौफ दिल में क्यों लाए हश्र मनाजिर का, जब खुदा के आखा से मगफिरत का वादा है, ऐ खमर हकीकत है जो जुबा से कहती हूँ, ऐ खमर हकीकत है जो जुबा से कहती हूँ, नाते सरवरे आलम का एक मेरा असासा है।